नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मोदी सरकार ने वापस ले लिए 3 नए कृषि कानून। बिहार में अनुकंपा पर नौकरी पाने वालों के लिए बड़ी खबर। अब व्हाट्सएप मैसेज से दूर होगी बिजली बिल से जुड़ी शिकायतें। दिल्ली हाट की तरह दरभंगा में भी बनेगा हाट। बिहार बोर्ड ने बढ़ाई 11वीं में एडमिशन लेने की तिथि। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। मोदी सरकार ने वापस ले लिए 3 नए कृषि कानून। देश की राजनीति के लिए आज का दिन ऐतिहासिक हो गया है। बीते साल सितंबर महीने में पास कराए गए 3 नए कृषि कानूनों को प्रधानमंत्री मोदी ने वापस ले लिया है। बताते चले कि इन्हीं कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए लंबे समय से किसान आंदोलन चल रहे थे और तमाम विपक्षी पार्टियों के निशाने पर भी केंद्र की सरकार थी। लेकिन आज सुबह गुरु नानक जयंती प्रकाश पर्व के अवसर पर खुद प्रधानमंत्री ने यह बड़ा ऐलान किया। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में जब 3 कृषि कानून लाए गए तो संसद में चर्चा हुई, वहीं देश के किसान संगठनों ने इसका स्वागत किया। मैं आप सभी भाइयों का आभारी हूं, लेकिन आज हम किसानों का सम्मान करते हुए ही इस फैसले को ले रहे हैं। इस फैसले के बाद से किसान आंदोलन में बैठे किसानों के हुजूम के बीच खुशी की लहर छा गई और वे नाचते गाते व एक दूसरे को लड्डू बांटते नजर आए। अब जानते हैं बिहार के मौसम का ताजा हाल। सूबे में जैसे जैसे दिसंबर की ओर दिन बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और इस बीच कम दबाव की वजह से कई इलाकों में बादल भी छाए रह सकते हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से मिली जानकारी के मुताबिक इन दिनों अरब सागर पर बने कम दबाव का क्षेत्र बिहार झारखंड होते हुए उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों की ओर बढ़ रहा है। इसका असर राज्य के मौसम पर भी देखने को मिलेगा, जिसके प्रभाव से पटना, गया समेत बिहार के कुछ स्थानों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क बने रहने के साथ ही रात के तापमान में थोड़ी गिरावट हो सकती है। बिहार में मिले एक साथ 16 नए कोरोना संक्रमित। पिछले कई दिनों से बिहार में कोरोना के 5 के आसपास ही नए मरीज मिल रहे थे, लेकिन ताजा मामलों में अलग अलग जिलों से 15 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 16 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। तो वहीं इस दौरान 3 मरीज रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 38 पर पहुंच गई है। इस दौरान अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो सबसे ज्यादा पटना से 6 मरीजों की पुष्टि हुई है, वहीं बक्सर से 4, किशनगंज, सारण, गोपालगंज और अररिया से 1-1 मरीज मिले हैं, जबकि 2 नए मरीज दूसरे राज्य से कलेक्ट किए गए सैंपलों के आधार पर मिले हैं। वही बात अगर रिकवरी रेट की करें तो राज्य में लोगों के ठीक होने की दर 98.66% है। बिहार के गंगा घाटों में हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर आज अहले सुबह से ही राज्य के विभिन्न गंगा घाटों में आस्था का सैलाब देखने को मिला। इस दौरान गंगा स्नान को लेकर पटना, हाजीपुर, बेगूसराय, भागलपुर समेत अन्य कई घाटों पर सुबह से ही लोग जुटने लगे। एक अनुमान के अनुसार सिर्फ राजधानी पटना के शहरी घाटों में महज 2 घंटों में करीब 40,000 से ज्यादा लोगों ने गंगा स्नान किया। इस दौरान स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर SDRF और NDRF टीमों की तैनाती कर रखी थी। बताते चले कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का खास महत्व है, साथ ही साथ इस दिन नदी में दीप दान भी किए जाते हैं, इसलिए श्रद्धालु ठंड की परवाह किए बिना ही मुहूर्त के अनुसार स्नान करते नजर दिखे। अब व्हाट्सएप मैसेज से दूर होगी बिजली बिल से जुड़ी शिकायतें। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए काम की खबर है। अगर आपको भी बिल से संबंधित कोई परेशानी है तो वह आने वाले समय में व्हाट्सएप से दूर हो सकेगा। इसके तहत 21 नवंबर से व्हाट्सएप के जरिए बिजली बिल से संबंधित शिकायतों का निपटारा होगा, जिसके लिए बीते दिन साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने अपने 11 विद्युत आपूर्ति अंचलों को सिम उपलब्ध करा दिया है। साथ ही अधीक्षण विद्युत अभियंता को ₹10,000 तक के एंड्रॉइड मोबाइल फोन को खरीदने के लिए मंजूरी दे दी है। इन मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से मिली शिकायतों का निपटारा ये इंजीनियर्स अपने स्तर पर करेंगे। इसके लिए वे संबंधित प्रमंडल और अवर प्रमंडल प्रशाखा के पदाधिकारियों व कर्मियों का भी सहयोग लेंगे। जल्द ही इसके लिए नंबर भी जारी कर दिया जाएगा। दिल्ली हाट की तरह ही दरभंगा में भी बनेगा हाट। दिल्ली में स्थित दिल्ली हाट, जहां देश के कई हिस्सों से आए हस्तशिल्प कलाकार और उनकी कलाकृतियां दिख जाएंगी, उसी की तर्ज पर बिहार में भी उद्योग मंत्रालय के द्वारा हाट बनाए जाएंगे। इस बात का ऐलान बीते दिन उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने 68वें विद्यापति स्मृति पर्व समारोह के दूसरे दिन के कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली हाट की तर्ज पर ही दरभंगा में दरभंगा महाराज के पोखर के चारों तरफ हाट बनाया जाएगा और पोखर में विद्यापति जी की भव्य प्रतिमा
प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। उन्होंने साथ ही कहा कि नए टेक्सटाइल नीति का लाभ मिथिलांचल को मिलेगा और अगले कैबिनेट मीटिंग में यह प्रस्ताव पास होगा। बताते चले कि इस कार्यक्रम में देश विदेश से आए लोगों और बिहार सरकार के मंत्रियों ने शिरकत की थी। बिहार बोर्ड ने बढ़ाई 11वीं में एडमिशन लेने की तारीख। बिहार बोर्ड के विभिन्न प्लस टू स्कूलों और इंटर कॉलेजों में 11वीं में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख को बढ़ा दिया गया है। इसके तहत अब 11वीं में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स 5 दिसंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इससे पहले ऑनलाइन सूचीकरण व अनुमति आवेदन 18 नवंबर तक भरा जाना था। बताते चले कि स्टूडेंट्स OFSS के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि स्कूल और कॉलेजों के द्वारा कला, वाणिज्य और विज्ञान संकाय में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स ऑनलाइन आवेदन डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आवेदन बिहार बोर्ड की वेबसाइट inter23.biharboardonline.com से डाउनलोड करना होगा। इसके बाद कॉलेज और स्कूल प्रशासन के द्वारा आवेदन फॉर्म स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। कॉलेज और स्कूल के द्वारा आवेदन की 2 प्रति डाउनलोड की जाएगी। ओवरऑल पुलिसिंग में बिहार का प्रदर्शन है सबसे खराब। हाल ही में एक सर्वे में यह बात सामने आई है कि बिहार की पुलिसिया व्यवस्था ओवरऑल पुलिसिंग में अन्य राज्यों की अपेक्षा सबसे खराब है। यह सर्वे थिंक टैंक इंडियन पुलिस फाउंडेशन के द्वारा किया गया था, जिसमें 10 सेटों में आधार पर राज्यों की पुलिस सिस्टम के आधार पर प्रश्न तैयार करके सर्वे किया गया, जिसमें हर श्रेणी में बिहार की व्यवस्था सबसे कमजोर पाई गई। वहीं दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग आई है, जो कि खराब है। वहीं सर्वे में यह भी बात सामने आई है कि उत्तर राज्यों की अपेक्षा दक्षिणी और नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों का प्रदर्शन अच्छा है। IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 के मुताबिक ओवरऑल पुलिसिंग में हाईएस्ट स्कोर पाने वाले 5 राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, केरल और सिक्किम है, तो वहीं बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब का स्कोर सबसे कम है। बिहार में अनुकंपा पर नौकरी पाने वालों के लिए बड़ी खबर। बिहार सरकार ने अनुकंपा पर नौकरी पाने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने अपने 30 साल पुराने नियम में संशोधन किया है। इसके तहत माता या पिता की मौत के बाद अनुकंपा पर उनके बच्चों को नौकरी मिलने वाले नियम में बदलाव किया गया है, जिसके मुताबिक अब सरकारी सेवा दे रहे माता या पिता में से किसी एक की मौत के बाद बच्चों को अनुकंपा पर नौकरी मिल पाएगी। इससे पहले ऐसा नहीं था। साल 1991 में अनुकंपा पर नौकरी पाने के लिए तय किए गए नियम में ये बात स्पष्ट की गई थी कि यदि माता और पिता दोनों सरकारी नौकरी में हैं या कोई एक पेंशन भोगी है और किसी एक की मौत होती है तो उनके आश्रित को अनुकंपा पर नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन इस नियम में बदलाव किया गया है। इस बाबत बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधिसूचना भी जारी की गई है। लालू यादव ने कृषि कानून के रद्द होने पर दी अपनी प्रतिक्रिया। देश में आज 3 नए कृषि कानूनों के रद्द होने के बाद से ही विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। इस बीच RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इन कानूनों को वापस लेने के फैसले को किसानों और गरीबों की जीत बताई है, तो वहीं मोदी सरकार को अहंकारी सरकार बताया है। लालू यादव ने कहा कि बहुमत में अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता होनी चाहिए। विश्व के सबसे लंबे शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक किसान सत्याग्रह के सफल होने पर बधाई। यह किसानों, मजदूरों, गरीबों और मेहनतकश लोगों की जीत है। यह लोकतंत्र, संविधान और देश की जीत है। अपने प्रकोष्ठों को नए सिरे से एकीकृत करेगी जदयू। बिहार में पार्टी को मजबूत और एकजुट करने के उद्देश्य से जदयू में संगठन का बदलाव किया जा रहा है। इसे लेकर 2 दिन पहले ही जदयू ने अपने सभी प्रकोष्ठों को भंग कर दिया था, साथ ही लोकसभा और विधानसभा प्रभारियों को भी मुक्त कर दिया था। अब पार्टी नए सिरे से अपना प्रकोष्ठों को पुनर्गठन करने वाली है। जानकारी के मुताबिक जदयू अब वापस अपने पुराने धरे पर लौटेगी, जिसके तहत उत्तर और दक्षिण बिहार के 2 अलग अलग प्रकोष्ठों की जगह एक ही प्रकोष्ठ काम करेगा। जानकारी के मुताबिक नॉर्थ और साउथ बिहार के लिए 2 अलग अलग प्रकोष्ठ बनाए जाने की वजह से समन्वय में भी परेशानी होती थी, इसलिए कोशिश की जा रही है कि अगले 15 दिनों के अंदर नए सिरे से प्रकोष्ठों का गठन किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक नए और पुराने सक्रिय लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी। नए कृषि कानूनों की वापसी पर बिहार के कृषि मंत्री ने की PM की तारीफ। 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले पर बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान कृषि मंत्री ने PM नरेंद्र मोदी के इस फैसले का स्वागत करके उन्हें बड़े दिल वाला बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से लाए गए 3 नए कानून किसानों के व्यापक हित में थे और बिहार के किसान इससे खुश थे। केंद्र सरकार ने भले ही इसे वापस ले लिया, मगर आगे इस पर समग्रता से विचार हो सकते हैं। वहीं आगे कृषि मंत्री ने कहा कि बिहार के किसानों से इस कानून के पार्टी अच्छा फीडबैक मिला था और यह कानून लाभकारी साबित होता, तो वहीं बैकफुट पर आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि विपक्ष को अब समझ लेना चाहिए कि बड़े हृदय वाला नेता ही ऐसे बड़े फैसले ले सकता है।
उप मुख्यमंत्री की अभद्र भाषा पर सीएम नीतीश ने दिया जवाब। बिहार की राजनीति में पक्ष विपक्ष के नेता इन दिनों अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करके एक दूसरे को नवाज रहे हैं, जो कि चर्चा का विषय है। हद तो तब हो गई कि खुद बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वे छात्र नेताओं पर भड़कते ही अमर्यादित शब्द कहते हुए देखी गई। नेताओं के इन हरकतों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब पहली बार अपना मुंह खोला है। बीते दिन दिल्ली में मीडिया से सवाल पूछे जाने पर सीएम ने कहा कि गाली देने वालों की वजह से बिहार की छवि नहीं बल्कि उन लोगों की छवि खराब होती है जो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही उन्होंने इशारों में कहा कि लोगों को अपनी छवि के बारे में ध्यान देना चाहिए। कंगना रनौत ने कृषि कानूनों को वापस लेने को बताया शर्मनाक। अपने बयानों से चर्चा में बने रहने वाली कंगना रनौत कृषि कानून को वापस लेने के फैसले से काफी दुखी है और इसे शर्मनाक बता दिया है। कंगना ने एक ट्वीट को स्टोरी में शामिल किया, जिसमें लिखा गया कि स्ट्रीट पावर ही असली पावर है, यह साबित हो गया है। कंगना ने इसके जवाब में लिखा, दुखद, शर्मनाक और एकदम सही नहीं। अगर चुनी हुई संसद के बजाय लोगों ने सड़क पर कानून बनाना शुरू कर दिया तो यह भी जिहादी राष्ट्र ही हुआ। कंगना ने तंजिया लहजे में कहा, जो ऐसा चाहते हैं उन सभी को शुभकामनाएं। तो वहीं इस मुद्दे पर अनेक कई बॉलीवुड हस्तियों ने भी अपने अपने विचार रखे हैं। एक्टर सोनू सूद ने खुशी जताते हुए पीएम मोदी का आभार किया और लिखा कि किसान वापस अपने खेतों में आएंगे, देश के खेत फिर से लहराएंगे। एबी डिविलियर्स ने क्रिकेट को कहा अलविदा। साउथ अफ्रीका की टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने आज हर तरह के क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। बताते चले कि एबी डिविलियर्स काफी समय पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं और अब वे इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में भी खेलते नजर नहीं आएंगे। इस तरह आरसीबी के लिए ये बड़ा झटका है। गौरतलब है कि जब एबी डिविलियर्स ने साल 2018 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी तो वो फैसला भी उनका अचानक से लिया गया था और अब सभी तरह के क्रिकेट छोड़ने का फैसला भी एकाएक लिया गया है। इस फैसले से लग रहा है, हालांकि उन्होंने अपनी उम्र को क्रिकेट छोड़ने का कारण करार दिया है और इस बारे में ट्वीट भी किए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार पीएम मोदी द्वारा आज 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला सही है या फिर नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहे बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।